मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत सैयद शाहिद रहशुने का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देशभक्ति कव्वाली से शुरू हुआ महफिल ए समा कव्वाली का प्रोग्राम में उजमानास फैजाबादी ने महफिल में अपना जलवा दिखाया। जनरल एक्सप्रेस इम्तियाज अहमद बहराइच हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक फखरपुर की मजरा कोठवाल खुर्द प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद शाहिद रहशुने का सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उर्स की जेरे सदारत इकबाल अहमद नौजवान कमेटी के वरिष्ठ सलाहकार बबलू सलमानी ने बताया कि दो दिवसीय सालाना उर्स 2 व 3 नवंबर बुधवार गुरुवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नौजवान कमेटी के अध्यक्ष इकबाल ने बताया कि इस बार का उर्स बहुत ही कामयाब रहा। वो पुलिस प्रशासन ने अब तक जो सहयोग दिया है वो सराहनीय है। इस बार का उर्स बना हिंदू मुस्लिम यकजहती का मिसाल महफिल ए समा कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, जिस में नामी गिरामी मशहूर कव्वाला उजमानास फैजाबादी अपने देशभक्ति कव्वाली के साथ सूफियाना कलाम पेश किया। साथ महफिल ए समा कव्वाली में लगाए 4 चांद 3 नवंबर गुरुवार शाम को हुआ उर्स का समापन। उर्स के मौके पर हर साल की तरह उर्स में दूर दराज से आए जायरीनों के लिए नौजवान कमेटी द्वारा लंगर खाने का भी इंतजाम किया गया है, जो रातों दिन जारी रहा। नौजवान कमेटी के सरपरस्त अध्यक्ष इकबाल अहमद, उपाध्यक्ष बबलू सलमानी, कोषाध्यक्ष सद्दाम, महासचिव इनायत अली, सचिव अजमत अली द्वारा उर्स की तैयारी पूरी कर ली गई है। उर्स की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन से भी सहयोग रहा है, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था रही। उर्स के दौरान जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। जनरल एक्सप्रेस नमस्कार, इस वक्त मैं कोठवाल खुर्द में खड़ा हुआ हूं और हजरत अरशद शाह शहीद मद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर खड़ा हूं। हर साल की तरह यहां उर्स मनाया जाता है 2 दिवसीय, जिसमें एक दिन तकरीर व मुशायरे का आगाज़ होता है, दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह कव्वाली होती है। आज का प्रोग्राम कव्वाली से भरा रहा, सूफियाने कव्वाली का दौर रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हिंदू मुस्लिम एकजहती का रंग दिखा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे क्या है बात। जी, आपका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन नाम से। जोर से बोले अंकल जी। जी, कुतुबुद्दीन। अच्छा जी, आप ये बताइए, ये उर्स किस टॉपिक से कैसे हैं, इनके जो हमारे हजरत हैं इनकी शान में कुछ बताएं आप। जी, ये हैं हजरत पीर अरशद शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये काफ़ी दिनों से 2 दिवसीय उर्स मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन तकरीरी प्रोग्राम मुशायरे वगैरह का होता है, फिर दूसरे दिन कव्वाली का प्रोग्राम होता है। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे मजहब के लोग मिल करके एक साथ में इसको मनाते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ मिल करके इसको अंजाम देते हैं। जी, जैसा इनका कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत सैयद अरशद शाह की मजार है, जो लोग आते हैं और फैज हासिल करते हैं। मैं चाहता हूं और शुभ कामना करता हूं कि इस तरह लोग हर साल की तरह इसको मनाते रहें और उर्स मनाते रहें। धन्यवाद। Yeah.
जब कयामत पढ़ रहे थे वो रब की इबादत थे तीन दिन के भूखे और प्यासे आए पाई है कैसी शहादत बैत नकी कबूल और सर दे राहे खुदा में अपना घर का घर दे दिया हिम्मत न हारे जन्नत सिफारे हिम्मत न हारे जन्नत सिधारे रखा नबी का भर खत लिख के उनको कर्बला बुलाया ज़ुल्मों से दम और रुलाया खत लिख के उनको कर्बला बुलाया ज़ुल्मों से दम और रुलाया माह के बच्चे को अल्लाह अल्लाह सालिमों ने ना पानी पिलाया माह के बच्चे को अल्लाह अल्लाह सालिमों ने ना पानी पिलाया कलमा नबी का फिर सुनाता रहा खा कर गले पे तीर मुस्कुराता रहा शिकवा किया ना कोई शिकायत शिकवा किया ना कोई शिकायत और न कोई रंजो अलम करता है याद जिनको ये जमाना वो है प्यारे नबी का घराना ताहश्र ना भूला है ना भूलेगा वो सकीना का आंसू बहाना अब्बास अलमदार की बाजू कटे बहरे फिरात से ना वो पीछे हटे बढ़ते रहे वो लड़ते रहे वो बढ़ते रहे वो लड़ते रहे वो हटे नहीं पीछे कदम सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे